देश की सबसे बड़ी विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसे भारतीय नौसेना के सभी युद्धपोतों के लिए 2 सुपर रैपिड गन SRGM की आपूर्ति करने का आदेश मिला है। भेल ने इन तोपों का स्वदेशीकरण किया है और इन तोपों का निर्माण अपने हरिद्वार प्लांट में किया है। भविष्य के युद्धपोतों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भेल इन तोपों के उन्नत संस्करण पर भी काम कर रहा है। भेल ने रक्षा और एरोस्पेस में महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति की है। इसके अलावा कंपनी परिवहन, ट्रांसमिशन, नवीनकरण, ऊर्जा भंडार, जल प्रबंधन के क्षेत्रों में भी काम कर रही है। अगला अपडेट इसरो को लेकर है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के 5 दशक में पहली बार इसरो ने निजी कंपनियों के लिए अपनी सुविधा खोली है। अगले कुछ महीनों में 2 निजी कंपनी अपने इंजन का टेस्ट श्रीहरिकोटा और तिरुवनंतपुरम रॉकेट केंद्र में करेगी। इसरो जल्द ही अपने उपग्रह चित्रों को एक निजी कंपनी को देगा जो मानचित्र सेवा प्रदान करती है। URSC के सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु स्थित किड्स इंडिया और बेंगलुरु स्थित सियाजी स्पेस टेक्नोलॉजी के उपग्रह का परीक्षण किया गया है। इसरो प्रमुख सविन ने कहा कि दोनों ही मामलों में हमें सौर पैनल के साथ समस्या मिली है और हमारी टीम उन्हें ठीक करने में मदद कर रही है। चेन्नई स्थित कॉसमॉस को तिरुवनंतपुरम में अपने इंजन का परीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि हैदराबाद स्थित स्काईरोट एरोस्पेस के इंजन का परीक्षण श्रीहरिकोटा में किया जाएगा। इसके अलावा मैप माई इंडिया, जो डिजिटल मैप बनाते हैं और GIS सेवा प्रदान करते हैं, उन्होंने उच्च मानचित्र के लिए इसरो से संपर्क किया है। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेकर है। साइबर सुरक्षा कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी हैकर भारतीय सेना की जासूसी कर रही है। समूह को दक्षिणी एशिया में वैध वेब सेवा की कमान के लिए जाना जाता है। यह समूह जासूसी करने के लिए मालवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। 2017 के बाद से और हाल ही में दिसंबर तक सैन फ्रांसिस्को स्थित लुकआउट इंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी हैकर भारतीय सेना और कश्मीर राज्य में भारतीय चुनाव अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए स्पाईवेयर का प्रयोग कर रही है। अगला अपडेट भारतीय सेना प्रमुख को लेकर है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने एक वेबिनार में बोलते हुए कहा कि ड्रोन भविष्य के हथियार है। उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान का उदाहरण देते हुए कहा कि इन दोनों देशों के युद्ध में ड्रोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि भारत भी अपनी ड्रोन क्षमता को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सेना दिवस परेड के दौरान हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया था। भारतीय सेना के प्रमुख ने कहा कि टैंक, लड़ाकू विमान 20वीं सदी के हथियार थे और 21वीं सदी के हथियार ड्रोन होंगे। निजी भारतीय कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है जो आने वाले वर्षों में सैन्य लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला अपडेट DRDO के वीडियोग्राफर को लेकर है। बालासोर जिला और सत्र न्यायालय ने गुरुवार को एक वीडियोग्राफर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे 6 साल पहले जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश गिरजा प्रसाद ने ईश्वर चंद्र बेहरा को 121A, 120B और धारा 3 के तहत दोषी ठहराया। DRDO के एक पूर्व कर्मचारी बेहरा को 23 जनवरी 2015 को गिरफ्तार किया गया था। IB और इंटेलिजेंट की एक संयुक्त जांच टीम ने इसे गिरफ्तार किया था। बेहरा को रक्षा जानकारी लीक करने के लिए अबू धाबी, मेरठ, मुंबई, बिहार, आंध्र प्रदेश से पैसे मिले थे। बेहरा ने चांदीपुर और कलाम द्वीप की जानकारी लीक की थी। पुलिस को बेहरा और ISI की ऑडियो क्लिपिंग भी मिली है। रेमुना कॉलेज से स्नातक के बाद 2007 में बेहरा ITR में शामिल हुआ था और नियंत्रण टावर CCTV विभाग में एक वीडियोग्राफर के रूप में काम कर रहा था। बेहरा ISI के एजेंटों के संपर्क में था और उसे दिसंबर 2013 से दिसंबर 2014 तक 35,000 रुपए मिले थे।